के कुल जेनेसिस ये है कि यहाँ के जो सांसद हैं हमारे स्थानीय सतीश गौतम जी, उनको किसी दिन ये सूझा कि उनको एक पत्र लिखना चाहिए वाइस चांसलर को कि यहाँ पर जिन्ना की तस्वीर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो यूनियन का ऑफिस है, उनका अपना हॉल है, वहाँ पर लगी हुई है। और उन्होंने एक पत्र लिखा और वाइस चांसलर को ऐसा उन्होंने बताया अखबार वालों को। पत्र उनका मिला है 3 दिन बाद, उस तक ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। तो पत्र लिखा और उसके अगले दिन हिंदू वाहिनी का एक स्टेटमेंट छपा कि वो 48 घंटे के अंदर अगर नहीं उतारते वहाँ से तस्वीर तो हम कैंपस में आकर के खुद उतारेंगे। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ को चेतावनी के रूप में कह देना चाहता हूं, 48 घंटे के अंदर या तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को उतार दें, अन्यथा की स्थिति में मैं स्वयं अपने राष्ट्रवादी साथियों के साथ जाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उस हॉल से मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को उतार फेंकने का कार्य करूँगा। तो जहाँ जो शुरू हुआ उसके बारे में मुझे ये कहना है कि एक तो अगर आप किसी को कोई पत्र लिखते हैं तो एक कोई स्टिपुलेटेड टाइम तो तय करते हैं जिसमें पत्र का जवाब आना चाहिए, और उस वक्त तक आप इंतज़ार करते हैं। अदरवाइज़ आप पत्र नहीं लिखते, मीडिया में आप सीधी चीज़ों को उछालते हैं। उन्होंने पत्र लिखा और मीडिया में इस चीज़ को शुरू करवाया। हिंदू वाहिनी ने भी एक अल्टीमेटम दिया, अखबार में दिया, तब भी उनको ये चैन नहीं हुआ। और उसके बाद ठीक अगले ही दिन, यानी अभी 24 घंटे ही बीते थे इस अल्टीमेटम को भी, कि कुछ तथाकथित हिंदू जागरण मंच के युवा या जो भी हों, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के हों, वो यहाँ पर जो है हमारे यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुँच गए। कहा ये भी जाता है कि वो आर्म थे। अब ये हमने नहीं देखा, हम इस बारे में ठीक नहीं कह सकते। ये चीज़ समझ में ये नहीं आती कि ये सब जो कुछ इतनी तेज़ी से किया गया, जब आप एक पत्र लिख रहे हैं, एक तस्वीर कहीं पर 80 साल से लटकी हुई है, आप उसे हटाने के लिए अगर आपकी इच्छा भी है तो आप एक खत लिखते हैं, खत का जवाब आने का इंतज़ार करना चाहिए। इतनी बेचैनी काहे क्यों हो रही है? शायद उद्देश्य कुछ और है जिसमें आप डिस्टर्ब करना चाहते थे यहाँ की पीस को। वो लड़के यहाँ पर आए, एक बार आए, उन्होंने आकर के यहाँ पर पुतला जलाया, पुलिस उनको फिर थाने लेकर के गई। उसके बाद वो दोबारा फिर आए, और दोबारा जब आए तो लड़कों ने, हमारे यहाँ के लड़कों ने उसका विरोध किया कि भाई आप कैंपस के अंदर कैसे घुस सकते हैं। ये याद रहे कि उस दिन पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब यहाँ पर आए हुए थे, छात्र संघ का ही कार्यक्रम था, और वो उनको आजीवन सदस्यता देने के लिए जा रहे थे, और उसके लिए वो आ चुके थे। गेट के बिल्कुल बराबर में गेस्ट हाउस नंबर 3 है, जिसमें कि वो ठहरे हुए थे उस वक्त, जिस वक्त ये वाक़या हुआ। ये इसके बाद छात्रों ने इस बात का विरोध किया पुलिस से। उन्होंने कहा हम इसके एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं। उन्होंने, पुलिस ने कहा कि हम आपके एफआईआर दर्ज करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अगर यहाँ नहीं करेंगे तो हम थाने जा कर के कराएंगे। और वो लड़के यहाँ से थाने की तरफ को बढ़े। जैसे यूनिवर्सिटी सर्कल उन्होंने पार किया तो उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के, और करीब 15 छात्र हमारे अभी तक घायल हैं उसमें। तो ये भी समझ में नहीं आता तरीका कि जो लोग डिस्टर्ब करने के लिए दूसरे के यहाँ गए हुए हैं, आप पर वो नहीं रुक रहे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं रुक रहे। और जो लड़के वैधानिक तरीके से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं, आप उनके ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने तीसरे दिन फिर एक प्रोग्राम और डिक्लेयर किया, जो अखबार में छपा, कि हम यहाँ पर आकर के राजा महेंद्र प्रताप पर एक गोष्ठी करेंगे यूनिवर्सिटी के सर्कल पर 11 बजे। मैं ठीक 11 बजे वहाँ से होकर के ऑफिस के नज़दीक यूनिवर्सिटी सर्कल में इस बात पर था कि क्या करते हैं। तो हमने ये पाया कि पुलिस का जो रुख था वो पूरा का पूरा गेट की तरफ को है। तो गेट से तो निकल करके कोई वहाँ पर आने वाला नहीं है। कोशिश ये की जा रही है कि एक बहाना बना करके आप इन युवाओं को इतना ज़्यादा, मैंने एक और पहले भी इंटरव्यू में इस बात को कहा था कि आप उन युवाओं को दरअसल दीवार की तरफ को धक्का दे करके दीवार तक पहुंचाना जा रहे हैं कि वो कोई भी ये गलती कर बैठे तो हम उनको उसको लेकर के उछाल लें। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विद्यार्थियों का कहना था जरा सी करके दिखा दीजिए, मतलब केवल आश्वासन पर हम नहीं जाना चाहते, कोई कुछ तो हो। ये जिन्ना की पोर्ट्रेट 1938 से वहाँ लगी हुई है और ये एमयू स्टूडेंट यूनियन की ट्रेडिशन है कि वो लाइफ मेंबरशिप कुछ इंडिविजुअल्स को देते हैं और उनमें से बहुतों की, तकरीबन 3 दर्जन लोगों की वहाँ पोर्ट्रेट लगी हुई है। उनमें से एक जिन्ना भी हैं, अंबेडकर हैं, मदर टेरेसा हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, मुरारजी देसाई हैं, के एम मुंशी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, मौलाना आज़ाद हैं। महात्मा गांधी फर्स्ट मेंबर थे इसके, लाइफ मेंबर स्टूडेंट्स यूनियन के। 1920 में वो हुए थे मेंबर, जिन्ना 1938 में हुए थे। तो ये 80 साल से वो पोर्ट्रेट वहाँ लगा हुआ है। सतीश गौतम अलीगढ़ के एमपी हैं, वो उस हैसियत से एमयू कोर्ट के मेंबर थे। एमयू कोर्ट एमयू की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है। वो एमयू कोर्ट मेंबर रहते हुए कोर्ट के फ्लोर से, एमयू कोर्ट के फ्लोर से ये सवाल कर सकते थे कि क्यों है, क्या है। वो खुद सांसद हैं, तो भाई आप या तो कानून बनवा लो संसद में कि इस तरह का कोई फ़ोटो वोटो नहीं रहेगा, पूरे भारत में नहीं रहेगा। तो भाई भारत का हिस्सा यूनिवर्सिटी भी है, तो यूनिवर्सिटी में भी नहीं रहेगी, कहीं नहीं रहेगी। अगर बॉम्बे हाईकोर्ट के म्यूज़ियम में है तो वो नहीं रहेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडीज शिमला में है तो नहीं रहेगा, लोकसभा में है, राज्यसभा में है तो नहीं रहेगा, तीन मूर्ति लाइब्रेरी दिल्ली में है, तस्वीर ऐसी कुछ भी पोर्ट्रेट नहीं रहेगा। तीसरा ऑप्शन भी था उनके पास, वो सरकार को लिखते कि भाई सरकार अपनी सरकारी यूनिवर्सिटी को पे इस पर पूछताछ करे कि भाई वो कोई फ़ोटो कहीं पे क्यों लगी हुई है। तो सतीश गौतम साहब तो खुला खुला सियासत किए हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में 1937 के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इशू पर ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए और इसलिए 1940 में ये लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ। तो उसके बाद से वो जो बंटवारे की तरफ कदम में बढ़ते चले गए। उसमें ये भी याद रहे कि सावरकर और गोलवलकर जो आरएसएस के संचालक थे, इन लोगों की तकरीरों से और ये लोग जो बातें कह रहे थे जैसे मूंजे वगैरह भी, इससे बहुत बात बढ़ती गई। ये बात लोगों को नहीं मालूम है कि टू नेशन थ्योरी सबसे पहले सावरकर ने 1938 में पेश की हिंदू महासभा में कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, उनकी अलग नेशंस हैं। तो ज़ाहिर अलग नेशंस का बंटवारा मतलब है। गोलवालकर ने यह कहा कि मुसलमान सिटीज़न नहीं हो सकते इस देश के, भारत के। तो वी आर नेशन डिफाइंड में ये बात कही। तो दोनों तरफ से मामला बढ़ता चला गया और जैसा मालूम है 1947 में बंटवारा हुआ। सावरकर को आप आज़ादी का हीरो बना ले रहे हो, उन्होंने क्या क्या किया। उनके नाम पर एयरपोर्ट बनेगा, वो आज़ादी के लिए नहीं लड़ेंगे, देश के विभाजन का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम में तफरका पैदा करेंगे, मुस्लिम को एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन उनके नाम पे एयरपोर्ट बन सकता है। तो ये तो एक अजीब बात है, ये तो नफ़रत की राजनीति है और राजनीति की रोटी सेकनी है, वोट लेना है और जनता को में उन्माद फैलाया जा रहा है पूरे भारत में, समाज में। और इसमें सबसे अफसोसनाक बात है ये कि जो मेजर वन मतलब सम ऑफ द मेजर टीवी न्यूज़ चैनल्स में मतलब जो एंकर्स हैं वो बीजेपी और आरएसएस के स्पोक्स पर्सन के साथ खड़े होकर खूब झूठ फैला रहे हैं।